हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आई एम नितिया अग्रवाल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, मेरे बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंट दिख रहा है या मैंने अभी भी मेरा बैकग्राउंड चेंज किया है, बिकॉज मैंने मेरे चैनल का नाम डोरेमोन से रिलेटेड रखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे बैकग्राउंड में भी डोरेमोन हो, तो इस वजह से मैंने मेरे पूरे बैकग्राउंड में डोरेमोन कर दिया। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, जिनके लिए अभी मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रखी हूँ। मतलब वो प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पता नहीं कैसे वो इतने ज़्यादा मुझे पसंद आ चुका है कि अब ऐसा हो रहा है कि ना कि वो मुझे चाहिए। सो मैं आपको 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेट्स लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हाय, अभी हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वो है ये। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी मैं, एंड ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, इतना ज़्यादा पसंद आया, इसको कोई हद नहीं है। मैंने इसको अप्लाई करना देखा, इसको कैसे अप्लाई करते, उसके बाद कितने अच्छे रिजल्ट्स आए मेरे ऊपर। मैंने इसके 2-3 ड्रॉप्स में मेरे फेस पर लगाती हूँ और इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है, इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, उसको कोई हद नहीं है। काफ़ी अच्छा बेस भी प्रोवाइड करता है ये। पर्पल का विटामिन सी एंड विटामिन ई सीरम है, तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ एक बार। वैसे आप, मैं इसका क्लोजअप दूँ आपको, तो मैंने आप ही के सामने पिछले वीडियो में इसको ओपन किया था, एंड ये ऊपर से खाली हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसका जो दूसरा एप्लीकेटर था वो मैंने हटा दिया है, एंड मैंने इसका ये वाला एप्लीकेटर लगा लिया है, तो मैं एक बार आपको इसको फिल करके दिखा देती हूँ। तो ये है इस तरीके से ये वाला जो फिल होता है, एंड उसके बाद हमको जहाँ जहाँ पर हमारे फेस पर ड्रॉपलेट्स डालने हैं हम उसको इस तरीके से इसके ड्रॉपलेट्स डाल लेते हैं। बहुत इजी टू अप्लाई है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड प्राइस पे बिल्कुल वर्थ है। इसका प्राइस मैंने आपको पिछले वीडियो में मेंशन कर दिया था, इस वीडियो में भी मैं आपको इधर साइड में बता दूंगी कि कितने इसके कितनी MRP है। सो इसके बारे में सिर्फ इतना ही। अभी हम लोग फटाफट से सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। मैंने आप ही के सामने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था, बट ये फर्स्ट बॉटल नहीं है मेरा, इसके पहले मैं बहुत सारी इनको यूज़ कर चुकी हूँ, बिकॉज लैक्मे मॉइस्चराइजर ऐसा मॉइस्चराइजर जो समर्स के अंदर मुझे चाहिए ही चाहिए, बिकॉज मेरा स्किन समर में नॉर्मल रहता है, तो मुझे ना ही कोई ऑयली मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, ना ही कुछ ऐसा बिल्कुल अजीब सा। मतलब मेरी स्किन नॉर्मल है तो मुझे नॉर्मल मॉइस्चराइजर ही चाहिए। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ये सील पैक था, एंड अभी ये ओपन हो चुका है, एंड आप इसको देख सकते हो कि मैं इसको यूज़ भी कर चुकी हूँ, बिकॉज मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ। आफ्टर टेकिंग शावर मैं इसको डेली एज अ मॉइस्चराइजर इसको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। बिल्कुल मतलब इसका एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। इसका 150 ग्राम का ये छोटू सा ये बास्केट है, बास्केट थोड़ी बोलेंगे इसको, अरे कहना क्या चाहते हो। तो ये 150 ग्राम्स का छोटू सा डब्बा है इसका, एंड ये 275 इसका MRP है, बट मैंने इसको ऑफ में मंगाया था तो ये मुझे थोड़ा सा और कम में पड़ गया था। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप चाहो तो आप भी इसको अपने स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हो। मेरा स्किन टाइप नॉर्मल है समर्स के अंदर, तो अगर आपका भी स्किन टाइप नॉर्मल है या फिर थोड़ा सा ड्राई है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग हमारे फटाफट से थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। जो थर्ड प्रोडक्ट है हमारा वो है ये मामा अर्थ का फेस मास्क। मामा अर्थ का फेस मास्क, ये वाला फेस मास्क कैसा है जो मुझे फ्री आया था, फ्री इन द सेंस कि मैंने जब मामा अर्थ से दूसरे प्रोडक्ट्स परचेज किए थे तो उसमें ऑफर था, तो मुझे ये वाला फेस मास्क फ्री में मिला था। इसका MRP 500 रुपीज़ है। ये उपतन फेस मास्क है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके की क्ले फॉर्म में आएगा, एंड ये पूरे स्किन पे डीटैनिंग का काम करता है, तो इसको मैं वीक में एक बार अप्लाई करती हूँ, एंड मेरा पूरा फेस डीटैन हो जाता है। आप इसको देख सकते हो, मैंने इसको ऐसे यूज़ करा हुआ है, एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने कोई सा फेस मास्क मेरे ऊपर अप्लाई किया था और जो मुझे सूट किया, बिकॉज यूजुअली मुझे सूट नहीं करते हैं फेस मास्क वगैरह, बिकॉज मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मेरे पूरे फेस पे दाने से उठने लग जाते हैं, बट आफ्टर यूजिंग दिस, मैं इसको यूज़ करने के बाद मेरी पूरी फेस से डिटैनिंग हो जाती है, एंड मेरे फेस पर थोड़ा सा रेडिश ग्लो ऑटोमेटिक आ जाता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका MRP 500 रुपीज़ है। सो ये भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। मतलब आप देख सकते हो, आई थिंक मैंने इसको 6-7 टाइम्स यूज में से कर चुकी हूँ, अभी भी इतना सा खत्म हुआ, अभी भी इतनी सारी क्वांटिटीज के अंदर बाकी है। तो एक वर्थ टू प्राइस है, अफोर्डेबल है, आई थिंक आप चाहो तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो।
जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है हमारा मामा अर्थ का ही प्रोडक्ट है, वो है अंडर आइसक्रीम। आई थिंक अभी इसका पैकेजिंग चेंज हो चुकी है, बट जब मैंने इसको मंगाया था वो इसी पैकेजिंग में आता था। इसका MRP 600 rupees है एंड इसको मैंने जो परचेज किया था मैंने सोचा था एक बार ट्राई कर लेते बिकॉज ड्यू टू कोविड वगैरह सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डार्क सर्कल्स वगैरह होने लग गए थे तो और ना बढ़े तो उसकी वजह से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था मामा अर्थ का अंडर आई क्रीम। इसके अंदर क्यूकुम्बर एंड कॉफ़ी है जो हमारे को मॉइस्चराइज भी करती है और साथ ही साथ है ना हमारे डार्क सर्कल्स को भी हटा देती है। सो ये बहुत ही कम क्वांटिटी लगता है, मैं आपको इसका एक बार कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। सो ये आप देखिए इतना सा ही लगेगा एंड ये पूरे आपके दोनों आई के नीचे के लिए सफिशेंट है, इनफ है, इससे ज़्यादा इसमें हमको नहीं चाहिए होता है। या तो ये वाला जो है मुझे काफ़ी पसंद है, आई थिंक मुझे मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, मुझे आई थिंक 5-6 months हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आती है बिकॉज ये बहुत कम लगता है। तो ये भी सही है, मतलब 600 rupees एक बार आप इन्वेस्ट कर दो उसके बाद बहुत लॉन्ग टर्म तक ही चलेगा एंड काफ़ी अच्छा है, मामा अर्थ का है तो आई थिंक बेस्ट डील है। तो आप चाहो तो इसको भी परचेज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अभी मेरा करंटली ऑब्सेशन चल रहा है वो है ये शीट मास्क। मैं यूजुअली नायका के शीट मास्क ही यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें ऑल टाइम ऑफर चल रहा होता है buy 5 and get 5 free, तो इसी वजह से मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये भी मतलब फ्री में आते हैं, थोड़ा कम मतलब थोड़े से अफोर्डेबल हो जाते हैं। ऐसे ही शीट मास्क 100 rupees का वन होता है, आप कोई सा भी परचेज करोगे तो इतना ही होता है, बट ये मुझे 5 buy 5 and get 5 free पे मुझे 50 rupees का एक पड़ता है, जो वर्थ टू द प्राइस। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम है तो आपको है ना थोड़ा सा आपको कम रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं हमेशा 10 मंगा लेती हूँ, मैंने इसके बहुत सारे वेरिएंट्स में ट्राई कर चुकी हूँ, उसमें से इसके वैसे सारे वेरिएंट्स मुझे तो बहुत ही पसंद है बिकॉज इनमें से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस नहीं आती जो आपका हेडेक कर दे, ऐसा नहीं होता है, बट नॉर्मल फ्रेगनेंस होती है एंड काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है, 15 मिनट में पूरा का पूरा एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा मैंने लैक्मे का भी शीट मास्क यूज़ करा हुआ है एंड मिनी का भी किया हुआ है, वो दोनों शीट मास्क भी ओके है बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ये उनसे कम प्राइस में भी आ जाता है एंड उतना ही अच्छा है, तो मेरे अकॉर्डिंग दीज आर द बेस्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये मेरे कुछ 5 स्किन केयर के ऑब्सेशंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, कुछ हेयर ऑब्सेशंस भी हैं मेरे, हेयर ऑब्सेशंस मतलब मेरा कुछ हेयर प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ, बिकॉज अभी शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती कि आपका थोड़ा सा और टाइम में लूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज हम लोग यहीं पर हमारा वीडियो स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे सेफ स्टे हैप्पी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।